तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है चुनरी, तुम्हारा जय तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बड़े कौर सा आप राशि जीजा के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। इन्होंने तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, आप इनकी जगह किसी और को कैसे दे सकते हैं? मौसा, इस घर में सबसे बड़ी आप हो। अब आप ही बताइए, अगर राशि मुझे बच्चा नहीं दे पा रही है और मैंने दूसरी शादी कर ली अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, तो मैंने इसमें क्या गलत करा? और आप तो जानते ही है 50 गांव में ये प्रथा है, अगर एक बीवी बच्चा नहीं दे पा रही तो इंसान दूसरी शादी करता है अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या गलत करा मैंने भाव सा? आप ही बताइए। सारा अंश अचानक यू ब्याह करके आ गया तो हम सब हैरान परेशान हो गए। सारांश जो कुछ भी बोल रहा है ये गलत ना है। दो तीन बीवियां रखना पहले भी राजसी परिवारों में प्रथा रह चुकी है। अब इन दोनों का ब्याह हो ही चुका है तो सवाल जवाब करने का कोई मतलब ही ना है। अनुषा इस घर की बींदनी है, उस रिश्ते के नाते वो हमारे परिवार में रह सकती है। भाभी साहब, मासा ये गलत है, आप प्लीज ऐसा फैसला मत लीजिए। मासा प्लीज रुक जाइए। तो क्या करूं मैं जय? क्या करूं? ब्याह तो हो चुका है ना, और कोई रास्ता है हमारे पास? हमें इस छोरी को स्वीकार करना ही होगा। पर हुकुम सा, राशि जीजा ने क्या किया उनके साथ इतना बड़ा? बस बस, एक शब्द ना बोलेगी तू दहेज दासी, और तू भी तो यही कर रही है ना, जबरदस्ती का ब्याह करके जबरदस्ती हमारी हवेली में रह रही है तू। ये दोनों फिर भी एक दूजे के मर्जी के साथ साथ फेरे लेकर आए। सुन लो तुम दोनों, जाकर नहा धोकर तैयार होकर आओ, पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे और माताजी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। जीजा, इस घर में तो आ गई मैं और जगह भी बना ली मैंने, अब इस दहेज दासी की आंखों के सामने जय को अपना बना के दिखाऊंगी। इसी मकसद से तो सारांश के साथ ये नकली शादी का नाटक किया है मैंने। भाभी सा संभालिए अपने आप को। अरे दिमाग खराब हो गया थारा? जो इस लड़की से ब्याह कर लिया तूने, पूरी दुनिया में थारे को जेई लड़की मिली थी ब्याह करने के लिए, अपने भाई की छोड़ी हुई प्रेमिका से ब्याह कर लिया तूने। ऐसे ही नोटों की बारिश होती रहेगी आंटी जी, सॉरी सासू सा। इतने नोट बरसेंगे कि आपको नोट गिनने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा।
बस अपनी ये टोन और जबान सुधार लीजिए और अपनी नई बींदनी को इज्जत देने की आदत डाल लीजिए। अरे बेटा अरे इसमें आदत क्या डालनी है बेटा, तू तो है ही इज्जतदार खानदान की, जटे पैसे बटे इज्जत तो खुद ब खुद चल के ब्याज में आ जावे, है ना? और मारा तो भाग ही खुल गया थारी जैसी बींदनी पाके। वाह सासु साहब, आई एम इम्प्रेस्ड। क्रिकेट भी आपसे ही ट्रेनिंग लेता होगा ना? क्या कैरेक्टर चेंज करती हैं आप? आई लाइक इट। फिलहाल तो मैं बहुत थक गई हूँ सासु साहब, जरा मेरे पैर दबा देंगे प्लीज? हाँ हाँ बेटा जरूर दबा देती हूँ। अब मारा खोटा सिक्का तो आज सोने की खदान घर ले आया है, ऐसा भी देगी और वारिस भी। बाबूसा मुझे और मेरी बीवी को आशीर्वाद दीजिए। हमारी किसी को पड़ी ना तो जी के क्या करोगी? छोड़ ना रीजा, मैं आपको जी अनर्थ नहीं करने दे सकती। अनर्थ? क्या अनर्थ? अरे अनर्थ तो हो चुका है चुन रही, अनर्थ हो चुका है। हमारी शादी रेत की तरह बिखर के रह गई। एक औरत के लिए जीना भी क्या जीना जब उसकी आंखों के सामने उसी का भी एक सौतन को सुहागन बनाकर घर ले आए, क्या फायदा है फिर मारे जीने का? बोल चीजा, होश में आई है पर ऐसे गुस्से में कोई भी फैसला लेने से अक्सर गलतियां ही होती हैं। बड़ी कोसा की बीनी होने के बाद भी आप एक औरत तो है ना, एक इंसान हो, ऐसे आपका जीवन बिना किसी मतलब का ना है। किसी और के किए की सजा आप अपने आप को क्यों दे रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती ना है। गलत बोल रही हो दहेज चाची। ये जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी गलती है राशि। अगर तुम इस दहेज दासी की मदद ना करती मेरे सामने ये आंसू बहाने की जरूरत ना पड़ती तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है मेरी बींदनी कुछ भी करेगी मेरी पीठ पीछे और मुझे पता नहीं चलेगा? मदद? कैसी मदद? अरे वाह, तुम्हें तो अपने फरिश्ते का नाम भी नहीं पता। इस घर में तुम्हारा कोई शुभचिंतक पैदा हुआ है जो है मौके पे तुम्हें नया रास्ता दिखा रहा है। उसे तुम थैंक्स नहीं बोलना चाहती? वो और कोई नहीं मेरी लाडली बीनी राशि है, अना राशि। तू इसकी मदद करती थी ना बार बार, तुम ही हो ना इसके शुभचिंतक। ये तो वही शुभचिंतक है जिसने अनुषा और कुंवर साहब के ब्याह को रुकवाने में हमारी मदद की थी। अब तूने अनुषा से उसका प्यार छीना है ना, जय को उससे दूर करा है, तो उसने बदले में तेरा बीन छीन लिया, यानी कि मुझे छीन लिया उसने। अब इन खानदानी जेवरों पे तेरा कोई हक नहीं है। अब ये सब जेवर मेरी नई बींदनी पहनेगी,
बहुत शौक था ना तुझे एक दहेज दासी की मदद करने का, अब तुम दोनों दहेज दासियां साथ में रहोगी, एक जो दासी से बींदनी बनी है और दूसरी जो बींदनी से दासी बनी है। उतार उतार इन सबको, हवेली में मेरी दहेज दासी बनकर। कौन सा? चल पीछे हो, दहेज दासी है ना, दहेज दासी बनकर रह। चल अब तुम दोनों दहेज दासियां साथ में रहना। उतार से चल। मारी मदद करने की कितनी बड़ी कीमत चुकाई आपने, आपने तो मैंने जिंदगी भर के लिए आपका कर्जदार बना दिया। तेरे दिल में उठता ये दर्द का तूफान इससे तो ना रुक पाएगा। रहने है तुझे ना काको साहब, ये शराब भी तो एक धोखा ही है अपने आप के लिए। धोखे का जवाब धोखे के सिवा और क्या हो सकता है? काको साहब एक बात बताइए। हाँ। ये धोखा देना औरत की फितरत में होता है क्या? मैंने तो जब भी कोई रिश्ता बनाया दिल से बनाया और सबने मुझे धोखे के सिवा और कुछ दे दिया। चंद्री, अनुषा, सुन, सुने ना, मैं जानू तू सुनैना की बात कर रहा है कि सुनैना ने तुझे बहुत गहरे जख्म दिए, दर्द दिए, बहुत गहरी चोट दी है जिसे तू आज तक उभर ना पाया। लेकिन अगर तू उस बात को इस बात से मिलाएगा तो दोनों बातें बहुत अलग है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि अनुषा ने यह कदम उठा के दिखा दिया तुझे कि उसे तुझसे कभी प्यार था ही नहीं। लेकिन सुनैना वो अनुषा जैसी नहीं थी। तुम्हारे बीच में जो भी था सच्चा था, सोने जैसा खरा था। मुझे तो यकीन नहीं आता कि उसने छोड़िए काकोसा, नाम मत लीजिए उसका, सारे घाव भरे हो जाते हैं, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। ये सुनैना कौन थी और क्या रिश्ता था इसका कोर्सा के साथ? Yeah.
आज एक पागल औरत ने थारी याद दिला दी तो सोचा आकर थारी शक्ल देख लो। सुनैना हमारे से बात भी ना करेगी। सुनैना अच्छा चल खाना खा ले, खाना खा ले। मैं जानू पुनराज है बट इस काल कोठरी में कैद ना रहना चाहती तू, पर मारी भी मजबूरी है छोरी। मैं तारे को आजाद ना कर पाऊंगी क्योंकि विंध्या देवी के लिए प्राण से बढ़ के संतान, संतान से बढ़ के भगवान और भगवान से बढ़ के सम्मान हो है। तारे को अठे से आजाद करके उस सम्मान पर दाग कैसे लगा दो? पहले ही मारे सम्मान पर चोट पहुंचाई है तने, प्रथाओं की धज्जियां उड़ा दी है। इस बात के लिए थारे को सजा तो मिल नहीं थी तो बस सजा के तौर पर उठे इस काल कोठरी में जिंदगी भर कैद रहेगी। तो जीजा आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ। ये सुनैना कौन है? क्या हुआ, क्या हुआ जीजा, आप इतने परेशान क्यों हो गए? मैंने कुंवर सा और काकू सा को बात करते हुए सुन लिया था और उसमें सुनैना नाम का जिक्र था तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ क्या रिश्ता है उसका कुंवर सा का। छोरी खाना खा ले पर ना आगे से इस काल कोठरी में खाना भी नसीब नहीं होगा तारे को, समझे? देख छोटी तू इन सब बातों में ना पड़, सुखी रहेगी। कुछ बातें राजी रहे तो अच्छा होता है। घर में अगर किसी को भी पता चल गया ना तो केक फुसुर फुसुर कर रही हो कबूतरियों। घबरा तो दोनों ऐसी गई जैसे गहने चोरी करते हुए मैंने पकड़ लिया हो। ये साजिश रच रही थी तुम दोनों हैं? अरे ना काकी साहू, आपके रहते ही भला हम साजिश कैसे कर सकते हैं? मैं तो बस आशी जीजा की मदद कर रही थी सब्जी काटने में। क्या सब्जी काटने में मदद कर रही थी कि उसके टूटे हुए दिल को सिलने में? तोते की तरह रटती रही कि अपने बीन को संभाल के रख, कि पल्लू छोटा रख, मटक के चला कर अपने पति को रिझा कर रखती तो खूटे से बंधा रहता और ना ही ये सौतन माथे पे आके बैठती। अब आ गई है ना तो भुगत। चलो अब दोनों की दोनों दासियां ना रसोई घर से बाहर निकलो, मारे को मारे बेटे और नई बिंदनी की पहली पूजा करनी है और फिर मैं नेक भी दिलवा दूंगी और मारे को पूरा भरोसा है कि माता जी महाराज की कृपा रही ना तो जे वाली बिंदनी मारे को पक्का से पोता या पोती जरूर दे देगी। इस सुनैना के बारे में तो राशि जीजा भी बात नहीं करना चाहती पर मैं कैसे भी पता लगा के रहूंगी कि ये कौन है जिसकी वजह से कुंवरसा को इतनी तकलीफ हो रही है। जा
जल्दी से साफ सफाई करके नीचे चली जाती हूँ। अगर पूजा में देरी से गई तो हुकुम सा नाराज होंगे। हे भगवान, कोर्सा कोई लाज शर्म है कि नहीं आपको? ऐसे आधे नंगे घूम रहे हो पूरे कमरे में, भूल गए कि अब ये कमरा हमारा भी है? ऐसे क्या बिहेव कर रही हो जैसे कि पहली बार ऐसे देखा हो? छिप छिप कर तो देखती रहती हो और अभी सामने ऐसे आंखें बंद करके ड्रामा कर रही हो। फालतू आरोप मत लगाइए कोर्सा, मैं ऐसी लड़की ना हूँ और मैंने आपको कभी छुप के नहीं देखा। भला मैं आपको छुप के क्यों देखूंगी? मैं बींदनी हूँ आपकी, देखूंगी तो हक से देखूंगी। अच्छा, पत्नी हो मेरी, देखोगी तो हक से देखोगी। तो मैं भी तुम्हारा पति हूं, मुझे भी तो मेरा हक मिलना चाहिए ना। किस बात की शर्म? जो करूंगा खुल्लम खुल्ला करूंगा। ये आप क्या कह रहे कुर्सा? जब तुम जबरदस्ती की पत्नी बनी गई हो तो मैंने भी जबरदस्ती का पति बनने का ठान लिया है। हेलो, खोलो इसे। पूजा में मेरी पत्नी की तरह ये पहन के आ जाना। मैं? और कोई दिख रहा है यहाँ? डफर, तुम ही से बोल रहा हूँ, ये पहन के आ जाना। हाँ, पर कोई अर पर नहीं सुनूंगा मैं, जितना बोला है उतना करो। ये कुंवर सा को अचानक से क्या हो गया? हे माता जी महाराज, क्या कुंवर सा सच में मैंने अपनी बींदनी के रूप में अपना रहे हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।